हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है लार्सन एंड टर्बो की तरफ से। तो गाइस, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, एलएनटी काफ़ी बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर जो हायरिंग हो रही है बल्क हायरिंग हो रही है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जैसे अगर आप डिप्लोमा से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, बीई बीटेक किया है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर आईटीआई किया है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ऑल ब्रांच एलिजिबल रहने वाले हैं आप लोग के। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, सभी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका काफ़ी सिंपल रहने वाला है और यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारी चीज़ें बता दूंगी कि किस तरीके से अप्लाई करना होगा। तो गाइज, चलते हैं हम अपनी वैकेंसी की ओर। तो गाइज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है मैंने यहाँ पर लिंक्डइन से ही सर्च की है और ये जो वैकेंसी आ रही है लिंक्डइन से, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये एचआर है एलएनटी के। यहाँ पर एचआर, ये एचआर ने डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए हायरिंग दी है। यहाँ पर साथ में आप लोग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर दिया गया वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। मुंबई आप लोग की लोकेशन रहेगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 एंड 6 मार्च यहाँ पर 2022 से पहले पहले आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें। और यहाँ पर देखिए, अगर आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी यहाँ पर हायरिंग दे रखी है। मैं इसे आप लोग को यहाँ पर अच्छे से थोड़ा यहाँ पर बता देती हूँ। इस पेज को हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ज्वाइन अस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर टू बिल्ड द लार्जेस्ट टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो है हायर किया जा रहा है। कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग, ये देखिए यहाँ पर लोकेशन रहेगी वडोदरा, चेन्नई, और यहाँ पर देखिए दिल्ली, पटना, चेन्नई, यहाँ पर कई सारी आप लोग की लोकेशन रहने वाली है। और यहाँ पर आप लोग का जो है, यहाँ पर जैसे आप लोग एक्सपीरियंस है, देखिए यहाँ पर जैसा कि एक्सपीरियंस दिया गया, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डोंट वरी। अब यहाँ पर थोड़ा क्वालिफिकेशन की हम लोग देखेंगे, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, आप लोग की बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और 60% आप लोग के मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर किस किस में होने चाहिए, जैसे अगर आप ये नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईटीआई की आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए, वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या आप लोग का मैनेजर इंजीनियर के लिए कौन कौन सा रोल यहाँ पर रहने वाला है। ये सारी चीज़ आप लोग को डिटेल में दी गई हैं। अब यहाँ पर मैं, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी है, जैसे ये डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो इस जॉब्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पर जो भी ये ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं वो इन सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये दी गई है, तो ये जो ए नंबर पे आप लोग की जॉब दी गई है, जैसे मैनेजर, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर फोरमैन के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का यहाँ पर तरीका देखिए, यहाँ पर जो है ये जो आप लोग की दी गई है ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना रिज्यूम या फिर सीवी यहाँ पर सेंड करना है। और यहाँ पर आप लोग को जो देख पा रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, आप लोग को इस लोकेशन पर जाना होगा, तभी आप लोग का इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 एंड 6 मार्च आप लोग का यहाँ पर रहने वाला। वेन्यू क्या रहेगा, वेन्यू जो आप लोग की पूरी लोकेशन है वो ये रहने वाली है। यहाँ पर लोकेशन पूरी देख सकते हैं। अब देखिए मेन चीज़ की मैं आप लोग से बात करूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे पास यहाँ पर देखिए, पीपल विथ लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एलिजिबल। जिनके पास 2 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है, मतलब 2 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं एलएनटी में आप लोग के लिए, यहाँ पर आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस ईमेल के जरिए आप लोग अप्लाई करेंगे। और जिस भी रोल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर उसको लिख देंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जे इसमें से किसी भी रोल के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस रोल का नाम लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे और वहाँ पर अपना जो है रिज्यूम को सेंड कर देंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जॉब की ओर चलेंगे।
तो गाइस देख सकते हैं ये भी यहाँ पर, ये जो रितिका जी हैं ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है ह्यूमन रिसोर्सेज की, L&T की, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो है जैसे ऑटोकैड जिन लोग स्टूडेंट्स को आती है ओनली यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ये हायर कर रही हैं L&T में। और जो आप लोग की क्वालिफिकेशन रहेगी वो डिप्लोमा मैकेनिकल वाले रहेंगी, जो मैकेनिकल वाले जितनी भी गर्ल्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, बट यहाँ पर 3 to 7 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा आप लोगों से। और सारी चीज़ें जैसे जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर दिया गया है क्या क्या चीजें इनके लिए चाहिए, नॉलेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मैकेनिकल वाली गर्ल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने का तरीका गाइस सेम ही है जैसे आप लोग, मैंने अभी आप लोग को बताया। आप लोग यहाँ पर देखिए ये इनकी ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर ईमेल पर आप लोग को क्या करना है, अपना CV सेंड करना है। CV सेंड करने के साथ साथ आप लोग को जो है आप लोग अपना जो है लिख देंगे जो भी जॉब का टाइटल है, तो टाइटल में आप लोग यहाँ पर इसका टाइटल भर देंगे और आप लोग फिर अपना यहाँ पर जो है इसको फिलअप कर देंगे। तो L&T हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पर आप लोग की वडोदरा यहाँ पर लोकेशन रहेगी। तो गाइज इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलूँगी। गाइज नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है वो भी जो L&T के मैनेजर हैं उनकी तरफ से आ रही है, लिंक्डइन की तरफ से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने लिख भी रखा है ये कौन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं मैनेजर है L&T के। अब यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर अबाउट में ये दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसके बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, साथ में आप लोग इन्हें फॉलो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएँ कि आप लोग को यहाँ पर जो है जो भी ये पोस्ट डाले वो आप लोग यहाँ पर देख पाएँ। अब देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर जॉब आ रही है वो देखिए। यहाँ पर जॉब का जो टाइटल है मल्टीपल जॉब वैकेंसी है यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन आप लोग के जैसे BE वाले हैं जो मतलब BTech कर रखा है जिन स्टूडेंट्स ने, या फिर BE किया हुआ है, या और कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, MCA कर रखा है टॉप कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो गाइस यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है आप लोगों से, 5 to 8 ईयर का आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर 5 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर ज़रूरी है। अब लास्ट डेट की बात करें तो देखिए एक्सपायरी डेट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर 31 मार्च 2022 यहाँ पर आप लोग की एक्सपायरी डेट दी गई है। लोकेशन यहाँ पर जैसे NCR, बेंगलुरु, चेन्नई आप लोग की दे रखी है। ओपनिंग पोजीशन देखिए सीनियर डेवलपर की है, सीनियर एप्लीकेशन एडमिनिस्टर की है, और यहाँ पर सीनियर मोबाइल ऐप डेवलपर की है। यहाँ पर काफ़ी सारी आप लोग को दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी कोर्स जानते हैं आप लोग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर देख सकते हैं, सीनियर जावा फुल अप डेवलपमेंट सही सारी चीज़ें। अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, देखिए अप्लाई करने कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग की ईमेल आईडी दे रखी है, ये आप लोग देख पा रहे हैं ईमेल आईडी। और यहाँ पर ये भी दे रखे हैं इन लोगों के नाम। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले ही दिया गया है सेंड योर रिज्यूम, तो आप लोग को यहाँ पर अपना रिज्यूम सेंड करना है। और क्या कहा गया है, प्लीज़ मैंशन द मतलब जो भी आप लोग का जॉब का टाइटल है यहाँ पर, तो आप लोग जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब का टाइटल यहाँ पर भरकर आप लोग को सेंड करना है। अब देखिए गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ से इन सब की लिंक जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, साथ में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वहाँ पर आप लोगों को क्या है, ये लिंक आप लोग को मिल जाएगी, वहाँ से जिस इस लिंक पर आने के बाद आप लोग यहाँ से इस तरीके से कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करने के बाद आप लोग जो है अपनी ईमेल आईडी पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप लोग अपना रिज्यूम या CV यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो गाइज और आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरे से पहले इनकी इन्फॉर्मेशन की जांच कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ डाल रहे हैं, और आप मेरे से पहले यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं इस चीज़ में कोई भी आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ कि मैं कहाँ से आप लोग के लिए वैकेंसी लेकर आती हूँ किस तरीके से, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग जो है, तो गाइज मुझे ये चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहती कि मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दूंगी तो आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं आप लोग को। गाइज गाइज आप लोग को बस इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप लोग अप्लाई कर दें, उतना ही काफ़ी है। मैं भी इसीलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग अप्लाई करेंगे। तो गाइज आप लोग देखिए कोई भी चीज़ को आप लोग अप्लाई करने से पहले पूरी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जांच लें। और देखिए मैं हमेशा यही बताती हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में कभी ये नहीं कहती कि मैं ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ से लेके, मैं हमेशा ये बताती कि आप लोग इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को पूरी चीजें यहां पर बता देती हूं। तो गाइस अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।